नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। जो कंपाउंड पेंडुलम होता है वो क्या होता है और इसका जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो हम निकालेंगे। पहले हमने सिंपल पेंडुलम के केस में निकाला था, तो कंपाउंड पेंडुलम क्या है? देखिए, कंपाउंड पेंडुलम के अंदर आप बात करते हैं, देखिए ये जो हमने ब्लैक लाइन बनाई है इस तरह की, ये एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं। आपने कोई भी एक रिजिड बॉडी ले ली, तो मान लीजिए कोई भी एक किसी भी शेप की आपने एक रिजिड बॉडी ले ली और इसको इस पॉइंट ओ पे, यहाँ पे पॉइंट ओ पे इसको लटका दिया, तो वर्टिकली इसको लटका दिया। जी क्या है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मान लेते हैं कि जो टोटल जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक्ट करता है, जो टोटल मास है यहाँ पे एक्ट करता है। तो अब देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये जी है, तो यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया। अब ये अगर हम इसको ऐसे लटका देंगे और इसके अंदर स्मॉल एम्पलीट्यूड के अंदर अगर ऑसिलेशन हो, यानी कि इस तरह से ये ऑसिलेट करे स्मॉल एम्पलीट्यूड में हो, लेकिन वो तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। इस तरह का अगर हम जो कुछ भी फिनोमिना बना लेते हैं उसको कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। रिजिड बॉडी ली, उसको लटकाया और स्मॉल ऑसिलेशन के अंदर वो ऑसिलेट करे स्मॉल ऑसिलेशन के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर जब एक्ट करे, क्योंकि यह मास है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर वो ऑसिलेट करे, तो इसको कंपाउंड पेंडुलम हम बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म लिखी हैं, पहले हमें ये टर्म पता होनी चाहिए। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द पेंडुलम आप इसको बोल लीजिए, के जी के अंदर है। इसी तरह से डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द पेंडुलम है, जिसको हम एम इंटू जी यानी कि मास इंटू ग्रेविटी डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो के जी है, के जी क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो एक्सिस के अबाउट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन है के जी। उसके बाद एच क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन, यानी कि यहाँ से लेके जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ से और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है ये हमें दिया गया है एच, तो एच दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारी टर्म है हमें दी गई हैं, तो हमें क्या करना है इसके अंदर? अब पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक बॉब को लटका दिया है, तो जो उसका वेट है किस तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो यानी कि जो एम जी है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अगर आप इस पोजीशन से, मान लीजिए यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे भी ए लिख लीजिए, ए पोजीशन से आप इसको बी पोजीशन पे ले जाते हैं, तो बी पोजीशन पे ले जाते हैं और ये एंगल कवर करता है मान लीजिए थीटा, थीटा काफ़ी कम होता है 4 डिग्री से, तो 4 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी कम होता है। तो आपने इसको यहाँ पे ले आए, अब यहाँ पे जो वेट एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एम जी एक्ट करेगा और इस तरफ क्या एक्ट करेगा? देखिए थीटा वाली लाइन है, तो ये इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है? एम जी कोस थीटा, और जो थीटा के बिल्कुल इस तरफ वाली जो लाइन होती है वो क्या होगी? एम जी साइन थीटा। तो वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो थीटा के साथ वाली लाइन जो है यानी कि जो बेस वाला कंपोनेंट है एम जी कोस थीटा, और इस तरफ वाला बनेगा ये एम जी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसके दो बन जाएंगे, तो इस तरह से दो कंपोनेंट है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी इनको दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इस पोजीशन से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ था मान लीजिए, तो यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो थीटा एंगल उसने कवर किया। अब यहाँ पे जो इसका इस तरफ जो है ये एम जी होगा और इस तरफ ये थीटा वाली लाइन है, ये क्या होगी? एम जी कोस थीटा होगा, और इस तरफ क्या होगा? ये होगा एम जी साइन थीटा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, यहाँ भी जो रिजिड बॉडी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ यहाँ पे आप चीज़ें दिखा सकते हैं इसको। तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जब भी आप इसको ऑसिलेट करेंगे, जब ये ऑसिलेशन के अंदर आएगा, जब आपने ए से बी की तरफ आप इसको ले गए और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ। अब देखिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो एक कपल लगेगी जो कि इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोल देते हैं। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो किसके बराबर होगी? अब ये जो फोर्स का, जो हम कहें कि इसका जो कंपोनेंट है वेट का एम जी साइन थीटा है इस तरफ, टॉर्क क्या होती है? टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इसमें, ये जो है जो वेट का कंपोनेंट है इसके अंदर, फोर्स तो वेट ही है ये वाला, तो ये जो है ये कंपोनेंट है इस तरफ, जिस तरफ ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है यानी कि एम जी साइन थीटा इनटू जो इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है? एच।
तो रिस्टोरिंग जो टॉर्क होगी या कहेंगे कपल होगी वो होगी एम जी साइन थीटा इंटू एच। अगर हम कह रहे हैं कि जो थीटा है वो क्या है, काफ़ी स्माल है, अगर हम थीटा को काफ़ी स्माल मान रहे हैं तो जो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्माल है तो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, रेडियंस में हम बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू आ जाएगा एम जी एच थीटा। तो साइन थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया, क्योंकि वेरी स्मॉल हम मान के चल रहे हैं, तो t आ गया एम जी एच थीटा, ये आ गया आपके पास। अब जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें इसका एक्सिस ले लें और ये जो सस्पेंशन एक्सिस है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल एक्सिस हैं, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए तो भी ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो भी हम कर चुके हैं, आई इक्वल टू आई जी प्लस एम एच का स्केयर आएगा, एच का स्केयर यानी कि जो ये डिस्टेंस है, तो आई जी प्लस एम एच का स्केयर। अब जो ये आई जी होता है ये क्या होता है हमारा, ये एम के स्केयर के बराबर है, जो हमारी ये हम निकालते हैं आई इक्वल टू एम के स्केयर होता है, तो ये दोनों ही आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया एम के स्केयर, यहाँ पे क्या था एम एच स्केयर, तो यहाँ से आप एम को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे इस के को आई जी निकाल रहे हैं तो के जी लिख लीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया के जी का स्केयर प्लस एच का स्केयर आ गया, तो ये आ गया आई के बराबर, तो आई के बराबर आपका ये आ गया जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने ये निकाल लिया पैर जो आपकी थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला पुट करके ये निकाल लिया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पेंडुलम का क्या होता है उसको आप नोट करते हैं, जो अल्फा है और ये होता है जो आपने ये रिस्टोरिंग टॉर्क आपकी लगी है और जो आपका ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसका रेशो, तो रिस्टोरिंग टॉर्क है आप इसको लिख लीजिए एम जी एच थीटा लिख लीजिए, और जो आई है इसकी वैल्यू को आप लिख लीजिए, ये क्या आई है एम के जी स्केयर प्लस एच का स्केयर, ये आ गई। अब देखिए जब आप इसको कटआउट करेंगे एम से एम गया तो यहाँ पे क्या बचेगा जी एच थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के जी स्केयर प्लस एच का स्केयर, तो ये आपके पास बचा। अब यहाँ पे जो आप है इसको फॉर्म में चेंज कर लीजिए थीटा बाई एल्फा के, यानी कि थीटा बाय अल्फा, ये थीटा है, अल्फा को इस तरफ ले आइए और ये उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के जी का स्केयर प्लस एच का स्केयर डिवाइड बाय जी एच, यही हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे थीटा बाय अल्फा की टर्म बना ली, थीटा बाय अल्फा की, ये तो आ गया था आपका, तो ये अल्फा इसके नीचे आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा और ये इसको रिफॉर्म करके आपने लिख लिया थीटा बाय अल्फा की टर्म बना ली। ये क्यों बनाई है ये भी हम अभी देखेंगे, थीटा बाय अल्फा की टर्म क्यों बनाई है, क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड होता है, अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की, जो पीरियोडिक टाइम होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला आपके पास होता है 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, नीचे क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ये चीज़ होता है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो आ जाएगा थीटा, और जो एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन वो आ जाएगी अल्फा, तो थीटा बाय अल्फा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ के जी स्केयर प्लस एच स्केयर जी एच, तो टी पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इक्वल टू 2π अंडर रूट के जी स्केयर प्लस एच का स्केयर डिवाइड बाय जी एच। तो इसीलिए हमने थीटा बाय अल्फा की ये फॉर्म बनाई थी ताकि थीटा बाय अल्फा इसके इक्वल हो जाए और इस सारे टर्म को हम यहाँ पे पुट कर दें, तो इस तरह से तो आ जाएगा आपका पीरियोडिक टाइम। इसी तरह से जो आपकी जो नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन है वो होती है 1/TP, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। तो ये जो आएगा इसका बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन यानी कि 1/2π एक्सेलरेशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर और 1/2π हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सारी जो वैल्यू हैं वो निकाल सकते हैं कंपाउंड पेंडुलम के केस में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।